आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल रूस्टर का कोलाज आर्ट, जिसके लिए हमारे पास ब्रश, पेंसिल, स्केच पेन, सीजर, फेविकॉल, थोड़ा सा फेविकॉल हमने बाउल में भी निकाल लिया है और गोंद का भी यूज कर सकते हैं कभी करना है। ये रूस्टर का इमेज है, इसको देख के हम कोलाज आर्ट बनाने वाले हैं। तो हमारे पास एक ओल्ड न्यूज़पेपर जो भी होगा उसका यूज़ करना है। इसमें कलरफुल ऐड होती है, वह सारी ऐड हमने कट कर ली। तो एक दो न्यूज़पेपर में से हमें अलग अलग टाइप की ऐड कट कर लेना है। बैकग्राउंड के लिए हम पूरा राइटिंग वर्ड वाला जितना पार्ट होगा वो सारा लगाने वाले, तो इस टाइप से हम कट करना है। हाथ से भी हम फाड़ सकते, अदरवाइज सीजर से कट करना है। इस टाइप से हमने कट कर लिया। फेविकॉल है, उसमें थोड़ा 5-6 ड्रॉप पानी डालना है, मिक्स करना है अच्छे से, फेट लेने का है। और इस टाइप से भी हम लगा सकते हैं ब्रश की सहायता से। यदि हमें पेपर चिपकाना है तो ये वाली मेथड से भी हम पेपर चिपका सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, अदरवाइज हम दूसरे टेक्निक भी यूज़ करने वाले। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से लगा के देखना है। जो कट किया हुआ पार्ट है उसी के ऊपर फेविकॉल लगा लिया। तो इसी पैटर्न में हम सारे के सारे जो कट किए पीसेज है उसको बैकग्राउंड के लिए पेस्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने सारा लगा लिया है, अच्छे से देख लेने का है, पीछे से पलटाना है और जो बाहर का पार्ट आ गया है उसको कट कर लेने का है। तो इस टाइप से हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर जो इमेज है उसको देख के हमें ड्रॉ करना है। जो रूस्टर बनाया था हम पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो स्केच पेन से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो इजी होगा उससे हम बना सकते हैं। मेन आउटलाइन ड्रॉ करना है, पूरा डिटेल्स नहीं, ये सब ड्रॉ कर लिया। अब इसी को देखकर हम उसमें भरने वाले हैं ये पीस कट करके। तो इस टाइप से हमने उसके फेस के लिए ये वाला पार्ट कट कर लिया। थोड़ा बहुत हम हमारे मन के हिसाब से भी कलर कॉम्बिनेशन में पेपर कट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि थोड़ा शेड चेंज हो सकता है तो वहाँ डेफिनेटली हम कट करके लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है। सेम एज इट इज, जैसा उसमें दिख रहा वैसा नहीं भी कलर्स है उसके सिमिलर कलर लगाने हैं। अब ये हमारे पास डार्क ब्राउन शेड है, रूस्टर का नीचे का पार्ट भी थोड़ा डार्क है, इसलिए हम वाला पार्ट कट कर लेते हैं और इस टाइप से फेविकॉल से लगा लेते हैं। जो जो पार्ट कट कर रहे उसी को फेविकॉल लगाया है। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे डार्क शेड है मरून, वहाँ पे डार्क दिखाई देता है रूस्टर में, लेकिन हम थोड़ा शेड भी चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से फेविकॉल लगाना है ब्रश की सहायता से और पूरी की पूरी बॉडी बनाते चलना है। थोड़े थोड़े एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कट करना है। उसकी चोंच बिग भी बना लेते हैं। तो ट्रेस टाइप करना है, नीचे देखना है किस टाइप से उस साइज का पेंसिल से आउटलाइन करना है और फिर कट करके पेस्ट करना है। ऑलरेडी हमने और एक कोलाज आर्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, बर्ड का है, सुंदर सा है। अब यहाँ पे उसकी लेग बनाना है, तो लेग के लिए भी हमने डार्क ब्राउन शेड इस टाइप से लगा लिया है, कट कर रहे हैं लाइट डार्क शेड, बाहर जो पार्ट आ गया उसको कट कर सकते हैं। अब इसमें आँख बना लेते, तो छोटा सा डॉट ब्लैक कलर का कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम उसकी फेदर बनाएंगे, उसके पंख ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप से जैसे ग्रास होती है उसी टाइप से लंबी लंबी सी थोड़ी बड़ी बड़ी ड्रॉ करना है और अलग अलग शेड के लेना है पेपर। तो इस टाइप से पेपर के ऊपर हमने ऑलरेडी डार्क शेड लगा के रखा है, अब उसके ऊपर थोड़े डिफरेंट शेड लगाने के लिए वापस लाइट डार्क ऐसे पेस्ट कर लेते, चिपका लेते हैं। ये सारा हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ हमें और लग रहा है कि डिटेल करना है तो वहाँ पे हम डिटेलिंग पार्ट कर सकते हैं। नीचे का ये डार्क शेड है, यहाँ पे हम डार्क शेडों के लिए इस टाइप से लगा लेंगे। ग्रीन पेपर है, इसके हम ग्रास ड्रॉ करेंगे। तो पेपर ऐसा फोल्ड कर लेने का है और उसके ऊपर
जो घास होती है उसके शेप में ऐसा कट करना है। यहाँ पे हम फ्लावर्स भी अलग से बना सकते हैं, तो हम ग्रास ही लगा रहे, अदरवाइज यहाँ पे हम और सुंदर करने के लिए फ्लावर ऊपर सन ड्रॉ कर सकते हैं, क्लाउड लगा सकते हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें सन का इफेक्ट भी दे सकते हैं येलो ऑरेंज बैकग्राउंड की। तो ये ग्रीन कलर के हमने ऑलरेडी कट कर लिया है और अब यहाँ पे हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फेविकॉल लगा लेंगे और उसके ऊपर हम ये जो ग्रास कट किया है डिफरेंट डिफरेंट साइज की छोटी बड़ी तो वो वहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा रूस्टर मुर्गे का कोलाज आर्ट बना सकते हैं। आपको ये कोलाज आर्ट कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।